हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल मैं हूं शेखर और आज हम देखेंगे इनक्वालिटीज जो कि काफ़ी इजी टॉपिक है पर इस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए वी आर गोइंग टू लुक एट दिस टॉपिक राइट तो सबसे बेसिक्स देखने के लिए लेट्स टेक दिस एग्जांपल इनटू कंसीडरेशन कंसिडरेशन सिर्फ ये पहला पार्ट देखते एज ऑफ नाउ लेट्स इग्नोर दिस राइट तो ये बेसिक्स चीज़ है आई होप कि आपको पता है आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच मतलब क्या है कि आर इसकी वैल्यू एच से बड़ी भी हो सकती है या इक्वल भी हो सकती है मतलब आर कैन बी टेन एच कैन बी नाइन एच कैन बी एट कुछ भी हो सकता है पर इस केस में एच दस भी हो सकता है मतलब दोनों इक्वल भी हो सकते हैं राइट right? ये हो गया फिर एच इज ग्रेटर देन टी तो एच ग्रेटर देन टी है मतलब एच हंड्रेड परसेंट टी से बड़ा ही होना चाहिए एच दस है तो टी दस नहीं हो सकता है टी को दस से कम ही होना चाहिए नाइन पॉइंट फाइव नाइन जो भी है बट टी हैज टू बी लेसर देन एच सिंपल फिर आ गया हमारा एम एम इज ग्रेटर दैन टी तो सपोज ये दस है यह दस है यह नौ है एम की वैल्यू क्या, हो सकती? क्या M की value 10 हो सकती है क्या एम की वैल्यू टेन हो सकती है क्या एम की वैल्यू नाइन पॉइंट फाइव हो सकती है क्या हो सकती है राइट सो एम कैन बी एनी थिंग विच इज ग्रेटर दैन नाइन बिकॉज एम इज ग्रेटर दैन टी राइट तो एम नाइन पॉइंट फाइव हो सकता है एम टेन भी हो सकता है एम ग्यारह एम सौ कुछ भी हो सकता है ओनली कंडीशन भी एम हैज़ टू बी ग्रेटर देन टी तो ये एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ है इनक्वालिटी सॉल्व करने के लिए कि वेन एवर सपोज हम अभी लेफ्ट से राइट right देखते हैं कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू एच ग्रेटर देन टी एज ऑफ नाउ ये इक्वल टू साइन इग्नोर किया तभी भी चलेगा फिर आता है हमारा टी लेस देन एम तो ये जो लेफ्ट टू राइट आप एरोज देख रहे हो ये ग्रेटर देन ग्रेटर देन ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास लेस देन एरो आ गया तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये टी जो है राइट right, जिसके तरफ ये ग्रेटर देन है और जिसके तरफ ये लेस देन दोनों साइन से तो टी के लेफ्ट वालों का हम कोई रिलेशन टी के राइट वालों से नहीं लगा सकते ये बेसिक चीज़ है अगर सिर्फ इतनी कंडीशन हमें दी है इसलिए हमें ये एडिशनल कंडीशंस दी रहेगी जिसके बेसिस पे हम मे बी एम और ये बाकियों का भी रिलेशन देख सकते हैं आर एंड एच के साथ बट सिर्फ अगर हमें ये कंडीशन दी है तो हम आर का रिलेशन टी के साथ लगा सकते हैं एच का रिलेशन टी के साथ एम का रिलेशन टी के साथ बट वी कैन नेवर फाइंड आउट हाउ एम एंड एच आर रिलेटेड और हाउ एम एंड आर आर रिलेटेड मतलब उनमें कौन सी इन इक्वालिटी या इक्वालिटी क्या आएगा राइट right? तो ये बेसिक है मतलब हम इसे क्या बोलते हैं बेसिकली ये नेटवर्क टूट गया है यहाँ पे टी के तरफ टूट जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर देन ग्रेटर देन यहाँ पे ग्रेटर देन आता तो हम लोग आर एच टी एम चारों में रिलेशन निकाल सकते थे पर बिकॉज ये एक कंटिन्यूटी फैक्टर जो है वो ब्रेक हो रहा है और हमें लेस देन आ रहा है तो हम टी की लेफ्ट की तरफ मतलब आर एंड एच का टी के राइट right तरफ एम के साथ रिलेशन नहीं निकाल सकते राइट right? बेसिक्स इसके बेसिस पे सारे सारे क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर सकते हो इनईक्वालिटीज़ के कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है पर इस पर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्रॉस एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम राइट एम बी एस सी टी में तो बहुत पूछे जाते ही है पर यह बैंकिंग एग्जाम्स में हर जगह पूछे जाता है राइट right? सिंपल है लेट सी पहला क्वेश्चन क्या दिया है तो ये हमारे पास ऑलरेडी था कि आर ग्रेटर देन एच है ग्रेटर देन टी है लेस देन एम है राइट right? ये था मैं बस अभी एज ऑफ नाउ ये हमने डिस्कस किया था इसलिए लिखा हुआ है वापस ये सब लिखने की जरूरत नहीं डायरेक्टली यू हैव टू तो कम टू तो कंक्लूजन तो अभी कंक्लूजन में क्या है क्यू ग्रेटर देन टी राइट कंक्लूजन में क्यू ग्रेटर देन टी दिया है तो यहाँ पे क्यू और टी के साथ तो कोई रिलेशन है नहीं तो हमें अभी देखना चाहिए कि टी और क्यू को कैसे तुम को रिलेट कर सकते हो तो अभी हम क्यू कहाँ पे दिया है क्यू यहाँ पे दिया है तो क्यू इज बेसिकली ग्रेटर देन यू विच इज इक्वल टू डब्ल्यू राइट विच इज इक्वल टू डब्ल्यू तो ये ध्यान देना जरूरी है हम इक्वल टू हमारे कंटिन्यूटी जो चेन के बारे में हमने डिस्कस किया राइट वी कैन अज्यूम की इक्वल टू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कंटिन्यूटी जैसे क्यू ग्रेटर देन यू इक्वल टू डब्ल्यू लेस देन एच तो ये जो इक्वल टू साइन है राइट right? इसे हम पार्ट ऑफ कंटिन्यूटी मतलब ये चेन जो है हमारे मान के चल सकते कि हम लोग बिकॉज यू इज़ इक्वल टू डब्ल्यू हम डायरेक्टली बोल भी सकते कि क्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू भी होगा क्योंकि क्यू इज़ ग्रेटर देन यू एंड यू इज इक्वल टू डब्ल्यू राइट पर यहाँ पे ये यह कंटिन्यूटी ब्रेक हो जा रही है ऐसे समझो क्योंकि ये यह यहाँ पे ग्रेटर देन है और यहाँ पे लेस देन है तो इसका मतलब क्या है डब्ल्यू के राइट right में मतलब एच का रिलेशन हम डब्ल्यू के लेफ्ट में मतलब क्यू के साथ नहीं निकाल सकते राइट right? U के साथ निकाल सकते हैं बिकॉज W एंड U आर इक्वल टू इच अदर और जैसे मैंने बोला कि ये हम पार्ट ऑफ कंटिन्यूटी मान सकते हैं बिकॉज दिस टू वैल्यूज आर वन एंड द सेम दाइट ये हो गया फिर यहाँ पे देखते हैं वापस से यहाँ पे इक्वल टू है U इज इक्वल टू बी ग्रेटर देन एफ इज इक्वल टू एस ऑल राइट ठीक है अभी हम देखते हैं कि Q और T का रिलेशन कैसे निकाल सकते तो कॉमन कॉमन चीजें देखिए जैसे यहाँ पे Q और U का निकाल सकते हम Q एंड W का निकाल सकते हैं T के साथ किसका रिलेशन है क्या यहाँ पे M है H है R है राइट right? M H एंड R है पर एज सच और कुछ मुझे दिख रहा नहीं है कि T के साथ कोई रिलेशन है क्या यहाँ पे फिर देखते कि T के साथ यहाँ पे कुछ रिलेशन है क्या को रिलेट कर सकते हैं क्या कॉमन क्या है इन दोनों में मुझे एक U कॉमन दिख रहा है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है और राइट right. तो एज सच मुझे मतलब क्यू एंड टी में हम लोग कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं कि ऐसे मुझे कुछ दिख नहीं रहा राइट द सिंपली मतलब रीजन क्या है कि क्यू का यू के साथ रिलेशन निकाल सकता हूँ मैं क्यू का डब्ल्यू के साथ रिलेशन निकाल सकता हूँ ऑल राइट फिर यहाँ पे क्यू एंड यू रिलेटेड है यहाँ पे यू एंड बी रिलेटेड है तो हम लोग वैसे भी रिलेशन निकाल सकते जैसे क्यू इज ग्रेटर देन यू बट यू इज इक्वल टू बी विच इज ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन एफ विच इज अगेन इक्वल टू एस मतलब यू का मैं बी के साथ रिलेशन निकाल सकता हूँ और एफ का एस के साथ बिकॉज दे आर इक्वल टू इच अदर इसलिए क्यू का भी इन दोनों के साथ बी के साथ भी और एस के साथ रिलेशन आ सकता है पर यहाँ पे हमें देख रहा है कि एच का हम लोग टी के साथ रिलेशन निकाल पा रहे कि आई एम आई कैन से दैट एच इज ग्रेटर दैन टी बट द प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कंटिन्यूटी फैक्टर हमारा Q इज ग्रेटर than W, which इज लेस than h, राइट right? Q इज ग्रेटर than W, which इज लेस than h. इसलिए Q एंड h का कुछ रिलेशन नहीं मैं draw कर पा रहा हूँ कंटिन्यूटिव जो हमने सबसे पहले सीखा उसकी वजह से राइट right? क्योंकि मैं बोल नहीं सकता कि Q 100% h से बड़ा होगा या छोटा होगा और h का हमारा t के साथ रिलेशन है राइट right? h और t हम लोग कंपेयर कर सकते हैं पर Q एंड h कंपेयर नहीं हो पा रहा इसलिए ये डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स हो सकता है हमें पता नहीं मे बी ट्रू है मे बी फॉल्स है सो so अगेन और एक कंडीशन आउट कंक्लूजन ऐसे होने चाहिए जो हंड्रेड परसेंट मतलब सौ टक्का ट्रू राइट मतलब अगर कंक्लूजन विच ऑफ दिस फॉलोअर्स ऐसे उन्होंने पूछा है जैसे यहाँ पे दिख रहा है फॉलोर्स फॉलोर्स फॉलोज कभी कभी पूछ सकते विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स विच डोंट फॉलो राइट right? तो उस केस में भी फिर क्या होने चाहिए हंड्रेड परसेंट डेफिनेटली या सौ फॉल्स होने चाहिए मे बी वाला या पॉसिबिलिटी वाला कंडीशन हमें देखना ही नहीं है राइट वी हैव टू हंड्रेड परसेंट इग्नोर दो कंडीशन तो देखते हैं अभी कंक्लूजन टू आर ग्रेटर देन इक्वल टू बी तो आर एंड बी का कैसे निकाल सकते कुछ निकाल सकते क्या आर एंड एच का कुछ रिलेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे uh, एच एंड यू का निकाल सकते हम लोग तो कुछ तो निकाल सकते आर ग्रेटर देन एच है एच यहाँ पे दिख रहा है मुझे ग्रेटर देन यू है यू इज इक्वल टू बी है और राइट यू इज इक्वल टू बी है तो हम आर एंड बी में रिलेशन निकाल सकते हैं तो अभी रिलेशन क्या आएगी ये एक हमें अभी ढूंढना है तो मैं हंड्रेड परसेंट बोल सकता हूँ कि रिलेशन क्या आएगा कि आर शुड बी ग्रेटर देन बी तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आना चाहिए तो ये क्यों होगा ये इसलिए होगा क्योंकि इक्वल टू साइन कब आएगा जब जैसे यहाँ पे इक्वल टू साइन है यहां पे इक्वल टू साइन है तो यहां पे भी अगर इक्वल टू साइन होती तो वी कुड हैव सेड आर ग्रेटर देन इक्वल टू बी अगेन इक्वल का भी वो कंटिन्यूटी वाला ध्यान दीजिए राइट यहाँ पे हमने ग्रेटर देन लेस देन वैसे वाले कंडीशंस थे तब ये इक्वल टू वी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूटी जो चेन है हमारी वैसे यहां पे भी कंसिडर करने वाले हम लोग बिकॉज ये कंटिन्यूटी का पार्ट नहीं है इक्वल टू साइन तो यहां पे क्या हो जाता है आर ग्रेटर टू बी हो जाएगा यही अगर यहां पे इक्वल टू बी होता तो हम बोल सकते थे कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू बी इस केस में भी ट्रू है यही केस में अगर ऐसा होता कि ये ऐसा दिया है और यहां पे ये यह हट जाता तो इस केस में भी फिर आंसर क्या हो जाता आर ग्रेटर देन एच इक्वल टू बी वगैरह मतलब आर ग्रेटर देन बी आता ठीक है सिंपल है मतलब कंटिन्यूटी हमें मतलब वो जो फैक्टर है वो मेंटेन करना है तो क्या था यहाँ पे ग्रेटर देन था और यहाँ पे ये यह था ठीक है तो हर जगह मतलब ये तो सिंपल है हर जगह इक्वल हो गया तो वो तो इक्वल टू ही आ जाएगा वो सोचने वाली बात नहीं है तो यहाँ पे कंटिन्यूटी वाला फैक्टर नीड टू अंडरस्टैंड राइट तो अगर कंटिन्यूएशन में कुछ होगा तो ही ये जो पहला हमारा एलिमेंट है राइट right? जैसे इनिकवालिटी इस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू है तो अगर कंटिन्यूएशन में ही है हर जगह इक्वल टू आ रहा है कुछ ना कुछ तो ये हम बोल सकते कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू बी मतलब बेसिक कंटिन्यूटी तो आनी चाहिए बराबर ये मतलब ग्रेटर देन वाला हर जगह यहाँ पे इक्वल टू है ठीक है चल जाएगा इक्वल टू मैंने बोला कि इट्स अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूटी यही अगर यहाँ पे लेस देन होता ठीक है ये लेस देन होता है तो सबसे पहले वो चेक करना है कि वैसे वाली कंटिन्यूटी मेंटेन हो रही है क्या ग्रेटर देन 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 ग्रेटर लेस इक्वल टू वाली ठीक है पहले ये कंटिन्यूटी मेंटेन हो रही है क्या वी हैव टू लुक एट दैट और अगर वो कंटिन्यूटी मेंटेन हो रही है तो देन विल लुक एट नेक्स्ट स्टेप कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ठीक है लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूटी मेंटेन हो रही है मतलब मैं आर एंड बी में कुछ तो रिलेशन आई विल बी एबल टू फाइंड आउट नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा फिर ये इक्वल टू वाला कंटिन्यूटी मेंटेन हो रहा है कि हर जगह इक्वल टू है कि अगर हर जगह इक्वल टू होता तो आई वुड हैव रिटर्न दिस 100 परसेंट ट्रू पर बीच में ये इक्वल टू हट जा रहा है इसलिए ये आई हैव टू गेट रीड ऑफ दिस इक्वल टू तो इसका आंसर आर ग्रेटर देन बी होगा कभी कभार मतलब यू कैन ऑल्सो यूज़ वैल्यूज़ ठीक है जैसे आर की वैल्यू टेन ले लो एच की वैल्यू नाइन भी हो सकती है टेन भी हो सकती है यू की वैल्यू हंड्रेड परसेंट हैज़ टू बी लेस देन एच मतलब ये एट हो जाएगा ये नाइन ले लो ठीक है और बी की वैल्यू इक्वल टू यू एट एंड नाइन तो आप देख सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या इवन इन दिस केस इवन इन दिस केस ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या कभी भी इक्वल टू आएगा ही नहीं राइट ग्रेट इक्वल टू आएगा ही नहीं बी के साथ बी विल बी ऑलवेज लेस देन आर बी विल बी ऑलवेज लेस देन आर तो कभी कभार वैल्यूज डाल के भी देख सकते हो बट आई वुड सजेस्ट कि ये वैल्यूज़ वाला एकदम लास्ट ऑप्शन रखोगी कब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब जनरली यूल बी एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कुछ भी टफ नहीं रहेगा इफ़ यू फॉलो जो मैं बता रहा हूँ राइट स्टेप बाय स्टेप कैसे कंटिन्यूटी सबसे पहले ये वाला कंटिन्यूटी देखना है हमें राइट right? सिर्फ इनक्वालिटीज वाला ये वाला विदाउट ये वाला मतलब इक्वल टू साइन बिना लगे हुए फिर ये देखने के बाद फिर देखो कि इक्वल टू वाला अभी तुमने यहाँ पे जज कर लिया है कि हाँ ये तो कंटिन्यूस है राइट दिस इज कंटिन्यूस जैसे मैंने बोला इक्वल टू इज़ अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूटी चेन ठीक है अभी आपने आपको समझा कि लेफ़्ट टू राइट कंटिन्यूस है इसलिए मैं आर एंड बी का भी रिलेशन निकाल सकते हो फिर देखो कि वो जो साइंस है उसमें कहीं पे इक्वल टू साइन लगा है या हटाया है जैसे यहाँ पे हटाया गया है इसलिए ये कंटिन्यू मतलब आई आई कांट से आर ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं इसलिए आर हैज़ टू बी ग्रेटर देन बी आई होप यू हैव अंडरस्टूड ठीक है अभी देखते हैं एस लेस देन क्यू है क्या एस का रिलेशन क्यू के साथ निकालने के लिए कॉमन क्या है यहाँ पे यू ये हमने स्टार्टिंग में देखा था तो एस इज लेस देन यू राइट और यू इज लेस देन क्यू तो हंड्रेड परसेंट कंटिन्यूटी तो मैंटेन्ड है दोनों में लेस देन लेस देन है तो हंड्रेड परसेंट वी कैन से क्यू इज ग्रेटर देन एस वही उन्होंने यहाँ पे दिया है सो ओनली थ्री फॉलोस राइट right? इसका ऑप्शन होना चाहिए डी सिंपल क्वेश्चन है कोई कन्फ्यूजन नहीं है राइट लेट्स लुक एट अ फ्यू मोर क्वेश्चन फिर तुम्हें समझ में आएगा राइट right? बिकॉज शायद से ये वीडियो का लेंथ बड़ा होने वाला है क्योंकि हमने वी ट्राई टू टेक इन एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल तो वील ट्राई टू डिवाइड दिस वीडियो इन टू अ कपल ऑफ पार्ट्स राइट लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल राइट लेट्स लुक एट क्वेश्चन टू तो क्या दिया है जैसे मैंने बोला डायरेक्टली पहले कंक्लूजन देखना है ये डायरेक्टली मतलब इग्नोर ही करना है इसकी तरफ देखना ही नहीं क्योंकि ये देखते ही समझ जाता है कि इन इक्वालिटी टाइप क्वेश्चन है तो डायरेक्टली कंक्लूजन देखते हैं डी ग्रेटर देन एस मतलब हमें डी एंड एस में रिलेशन निकालना है तो डी यहाँ पे दिख रहा है मुझे तो कहीं पर एच डब्ल्यू यू ऐसी चीजें है क्या तो वो देखते हैं तो एस एस ओके तो यहाँ पे एस दिख रहा है मुझे एस का बी के साथ रिलेशन है B का H के साथ रिलेशन है H का D के साथ रिलेशन है तो देखते कि कुछ लॉजिक लग सकता है क्या D इज ग्रेटर देन एच ग्रेटर देन इक्वल टू बी तो ये देखो इक्वल टू नहीं यहाँ पे मतलब D और B में अगर मुझे रिलेशन निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि दिस इज कंटिन्यूस ये हमारे पार्ट ऑफ कंटिन्यूटी चेन है तो D हैज़ टू बी ग्रेटर देन B एंड D शुड नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू B आई होप वो लॉजिक समझाए बिकॉज द इज नो इक्वल टू साइन साइनियर ठीक है सिंपल D इज ग्रेटर देन H, ग्रेटर देन इक्वल टू B एंड B इज ग्रेटर देन S. B इज ग्रेटर देन S. तो so D एंड S में मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ क्या सबसे पहले क्या देखते Continuous है क्या यस yes, हर जगह ये साइन दिख रही है मुझे तो so, 100% परसेंट है और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इक्वल टू है हर बाकी कहीं पे भी इक्वल टू नहीं है इसलिए आंसर क्या आएगा मेरा डी ग्रेटर देन एस तो स्टेटमेंट वन कंक्लूजन वन फॉलोज सिंपल अभी देखते हैं वाई एंड टी वाई यहाँ पे दिख रहा है मुझे वाई जेड डब्ल्यू है राइट वाई जेड डब्ल्यू है वाई ग्रेटर देन डब्ल्यू टी डब्ल्यू और एच का रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे एच एंड टी का रिलेशन दिख रहा है ठीक है सिंपल वापस से स्ट्रेट फॉरवर्ड वाई ग्रेटर देन डब्ल्यू डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी राइट तो वाई एंड टी का रिलेशन निकाल सकते हैं क्या हंड्रेड परसेंट निकाल सकते हैं क्यों क्योंकि कंटिन्यूस है हमारी चेन मीट हो रही है राइट कंटिन्यूटी चेन मीट हो रही है पर y ग्रेटर देन इक्वल टू t आएगा क्या अगर यहाँ पे भी इक्वल टू होता तो 100 परसेंट आता पर क्योंकि एक जगह पे हमारे इक्वल ने कंटिन्यूटी चेन ब्रेक की है इसलिए इसका आंसर y ग्रेटर देन t होगा y ग्रेटर देन इक्वल टू t नहीं होगा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तो t और u का हमें रिलेशन निकालना है hmm. टी और एच का यहाँ पे से रिलेशन निकाल सकते हैं एच और डब्ल्यू का डब्ल्यू और यू का तो टी इज लेस देन इक्वल टू एच ठीक है नहीं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं यू इज ग्रेटर देन डब्ल्यू डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी क्योंकि एच बी इज इक्वल टू टी ऑलरेट सिंपल तो U हैज टू बी देन कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है इक्वल टू साइन नहीं है पर यहाँ पे इसलिए U ग्रेटर देन T वही उन्होंने दिया है तो आंसर विल बी वन एंड थ्री स्ट्रेट फॉरवर्ड ठीक है इसमें भी आई होप कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है ऑल राइट right, तो ये वीडियो यहाँ पे बंद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जो भी क्वेश्चन है हमारे वो सॉल्व करते हैं ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने काफ़ी डिटेल में देखा तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड मतलब इफ़ यू हैव एनी डाउट्स ऑब्वियसली तुम हमेशा पूछ ही सकते हो एंड आई होप बाय नाउ यू हैव ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हम ऑन अ डेली बेसिस पोस्ट करते रहते उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एंड ये बार बार बोलने मत बोलना कि सब्सक्राइब करो या लाइक like करो वो तो करते ही रहना है आपको जब भी मतलब बे, उसके बेसिस पे वी डिसाइड या उसके बेसिस पे जज करते हैं हम लोग कि कैसा कंटेंट होना चाहिए कि आर यू गाइज सैटिस्फाइड विद द कंटेंट या और कुछ होना चाहिए राइट यू कैन ऑलवेज गिव सजेशंस एज वेल तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई एल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो Right, see you and thanks for watching this video. Do not forget to like, share, and comment.